नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आज फिर एक बार आप सबके लिए लाया हूँ वेंडिगो की एक अनोखी कहानी। अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और इस मज़ेदार कहानी का पूरा मज़ा उठाइए। वेंडिगो की दूसरी कहानियों का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि आप सबको पता है, वेंडिगो नेटिव अमेरिकन जंगलों में पाया जाता है। वेंडिगो को विंडिगो भी कहा गया है। वेंडिगो एक शापित प्राणी है जो हमेशा भूखा रहता है, इसीलिए वो हमेशा इंसानों का शिकार करता है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी काफ़ी पुरानी है। ये कहानी नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में बसने वाले एक छोटे गांव की है। कहानी कितनी सच्ची है और कितनी बनावटी ये तो मुझे नहीं पता, पर कहानी काफ़ी रोचक है, इसीलिए मैं आप सबको सुना रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम रॉबर्ट है। ये बात सन 1975 की है, जब मैं अपने गांव में ही रहा करता था। आज इस घटना को पूरे 45 साल हो गए हैं, लेकिन वो दहशत आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है। उस वक्त मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। हमारे गांव में ठंड काफ़ी पड़ती थी। हमारा पूरा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, इसीलिए दिन भी काफ़ी जल्दी ढल जाता था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो बिजनेस के चलते आए दिन बाहर रहते थे घर से। घर में हमेशा मेरी बहन मरिया और मेरी मॉम, हम तीनों ही रहते थे। सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहता था, पर शाम होने के बाद गांव एकदम सुनसान हो जाता था। आप सबको लग रहा होगा कि ठंड की वजह से गांव सुनसान हो जाता होगा, पर असल बात कुछ और थी। वेंडिगो के डर की वजह से शाम के 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सेफ्टी के लिए मेरे पापा ने घर पर एक बंदूक भी रखवाया था और अपने पास भी एक पिस्टल वो हमेशा रखते थे। बंदूक के साथ साथ चांदी की गोलियां भी घर में रहती थी। पर मैं एक बात आपको बता दूं, 3 साल पहले हमारा गांव ऐसा नहीं था। हमारा गांव भी एक आम गांव की तरह ही जीता था, हंसता था, खेलता था। लोग रात रात भर घर से बाहर आराम से घूमते फिरते थे। लेकिन ठीक 3 साल पहले, मतलब 1972 में एक घटना घटित हुई और तब से शायद हमारा गांव शापित बन गया था। हमारे घर के सामने एक गली पड़ती थी, वहां करीब 4-5 घर ही थे। उन्हीं घरों में से एक घर में लुईस और उसका पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। लुईस एक दर्जी था, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक ही पैसा कमा लेता था। लोगों के अनुसार लुईस कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहता था, लेकिन कोई आदमी उसे परेशानी का कारण पूछता तो वो झट से भड़क जाता और कई बार तो वो हाथ भी उठा देता था। लुईस के स्वभाव के चलते अब कोई उसका दोस्त नहीं था, इसलिए उसकी दर्जी की दुकान भी बहुत ही जल्द बंद हो गई। उसके मोहल्ले में लोगों ने एक बात नोटिस की कि लुईस के बीवी बच्चे कई दिनों से घर में नहीं थे। फिर एक दिन हमारे गांव के एक बुजुर्ग लुईस से मिलने गए उसके घर, पर लुईस घर में ताला लगाकर बाहर ही बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग ने लुईस को बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? पर लुईस ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन बुजुर्ग ने फिर से पूछा, बेटा तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? लुईस ने एक अजीब से ढंग से उन्हें जवाब दिया, वो सब बाहर गए हुए हैं, पर तुम्हें इन सब से क्या मतलब? बुजुर्ग ने फिर से प्यार से कहा, देखो बेटा, हमारा गांव एक छोटा सा परिवार है और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूरा गांव उसकी मदद करता है। अगर तुम्हें भी कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी तकलीफ बहुत ही जल्द दूर हो जाए। ये सुनते के साथ ही लुईस अचानक भड़क गया और उस बुजुर्ग को मारने लगा।
ये देखते ही पासी के कुछ लोग आए और लुइस को छुड़ाने लगे। अब सारे गांव वालों को यह शक होने लगा कि लुइस शायद पागल हो गया है। एक दिन रात को गांव के कुछ बड़े लोग और कुछ लड़के अचानक लुइस के घर में घुस गए। एक दिल दहला देने वाला नज़ारा उन सब ने देखा। लुइस अपने बीवी बच्चों को मार चुका था और उन्हीं का मांस वो नीचे बैठकर जानवरों की तरह खा रहा था। गांव वालों को देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो गया और उन पर हमला करने लगा, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा। लोगों ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अचानक हंसने लगा और कहा, तुम सब मरोगे, तुम सब मारे जाओगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो अचानक रोने लगा और कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार डालो, मैंने ही अपनी बीवी बच्चों का कत्ल किया है, मुझे मार डालो। ये देखकर सब चौंक गए। कुछ देर बाद अचानक लुइस उठा, पासी में पड़े अपने चाकू से अपना गला काट दिया और वहीं मर गया। सारे गांव वालों ने मिलकर उसके लाश को दफना दिया और अपने अपने घर वापस चले गए। पर अगले ही दिन से गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। सबसे पहले वो बुजुर्ग जो लुइस के घर गए थे वो पहले मारे गए। उनकी कटी फटी लाश जंगल के एक कोने में पड़ी हुई मिली। उसके ठीक दूसरे ही दिन एक और आदमी अपने खेत में उसी हालत में मरा हुआ मिला। इन सब के दौरान मेरे पापा शहर में ही थे, उनको ये सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एक रात मेरे पापा और उनका बिजनेस पार्टनर सैम कार में गांव वापस आ रहे थे। सैम को पापा हमारे गांव घुमाने लेकर आ रहे थे। मेरे पापा ने एक जगह कार रोकी और बाहर पेशाब करने गए। कुछ देर बाद मेरे पापा कार में आए और तुरंत सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब सैम ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, जहां वो पेशाब कर रहे थे वहां एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। झाड़ियों के बीच से जब मेरे पापा ने देखा तो वो डर के मारे पानी पानी हो गए। उन्होंने देखा एक 15 फीट का जानवर जो कि काफ़ी इंसानों की तरह दिख रहा था, पर उसका सर एक हिरण के जैसा था। वो जानवर एक इंसानी लाश को बड़ी ही बेरहमी से नोच रहा था, खा रहा था। ये सुनते के साथ ही सैम ने कहा, जल्दी गाड़ी भगाओ। पापा ने तुरंत कार स्टार्ट किया और हमारे घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद सैम ने कहा, वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक वेंडिगो था। ये सुनते ही हम सब डर गए। फिर सैम ने कहा, घर में और कार में दोनों में एक एक गन रखवाओ, और हाँ, चांदी के बुलेट से ही वेंडिगो को मारा जा सकता है, ये हमेशा याद रहे। उसी दिन से हमारे घर में हमेशा एक लोडेड बंदूक रहती थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग उस रात लुइस के घर गए थे वो सब मारे जा चुके थे। उसके बाद गांव में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो कोई भी जंगल की बीच गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। इसी खौफ से लोग अब जंगल रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाते थे। पूरा गांव अब दहशत की आगोश में आ चुका था। कुछ लोगों ने तो डर के मारे आत्महत्या भी कर लिया। एक दिन गांव के सारे लोगों ने मिलकर इस वेंडिगो से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग किया। मीटिंग में यह तय हुआ कि मेरे पापा शहर में जाकर कुछ जानकार लोगों से पूछकर इसका जरूर कोई ना कोई हल लेकर आएंगे। मेरे पापा अगले दिन ही शहर निकल पड़े और करीब एक हफ्ते बाद मेरे पापा अपने दोस्त सैम और 4 लोगों को लेकर वापस आए। वो 4 लोग असल में वेंडिगो हंटर्स थे। वो 4ों काफ़ी समझदार और दिमाग से काफ़ी तेज थे। गांव वालों ने लुइस का पूरा किस्सा उन 4ों को सुनाया और हर एक मौत की कहानी भी उन सबको बताई। उन 4ों के पास काफ़ी बंदूकें और चांदी के खंजर भी मौजूद थे। सारी बात सुनने के बाद उन 4ों ने लुइस के कवर के पास गए, कवर को दोबारा खोदने के लिए कहा। जब कवर पूरी तरह खुल गया सब हैरान हो गए।
क्योंकि वहां लुइस की लाश का नामो निशान भी नहीं था। लुइस को मरे बस 2 ही महीने हुए थे, तो कम से कम उसकी हड्डियां तो वहां रहनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसी रात वो चारों अपने सारे हाथों हथियार और कुछ दूसरे सामान के साथ जंगल की ओर चले गए। करीब 3 दिन के बाद वो चारों वापस लौटे। अपने साथ वो लोग एक थैला भी लाए थे। जब उन्होंने वो थैला खोला, हमने देखा उसमें एक दिल था, और वो दिल उसी वेंडिगो का था। फिर उन चारों ने बताया, वेंडिगो को चांदी की गोलियों से मारने के बाद उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे जला दिया, सिर्फ दिल को छोड़कर, क्योंकि उनका कहना था इसी दिल की मदद से दूसरे वेंडिगो को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद हमारे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, पर लोगों के मन से दहशत दूर नहीं हुआ था। गांव को छोड़े आज कई साल गुजर गए हैं। पता नहीं आज क्या हाल होगा गांव का, लेकिन वो मनुष्य किस्सा आज भी याद करता हूँ तो दिल दहल जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।